हाय हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव हियर। सो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कैसे क्रिएट होता है। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। तो तुमने नहीं देखा है तो जाके सीरीज़ के पूरे वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले फर्स्ट वीडियो ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन सीरीज़ में जो पहला है प्रोग्रामिंग पैराडाइम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेके, इसको तो ज़रूर देख लेना, ओके। और मेथड अगर तुम्हें नहीं पता बेसिक, तो ये सारे वीडियोज़ भी देख लेना, ठीक है, सारे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पिछले वीडियोस में मैंने तुमको बताया था एक लेमैन लैंग्वेज में कि अब बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं इस लाइन में, कि इस क्लास का एक कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको ओबीजे में स्टोर कर दे रहे हैं, फिर मेथड को कॉल कर रहे हैं। बट अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बताया था ना कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से, ठीक। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है, कंट्रोल। तो अब देखो होगा क्या। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, ठीक है। जो हमारा क्लास, जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं ना जावा में, जैसे सपोज हमने क्लास बनाया क्लास एबीसी, तो बेसिकली एबीसी हमने एक डेटा टाइप बना दिया, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे ये तो बहुत अजीब चीज है यार, बट नहीं, ऐसा ही होता है। डेटा टाइप बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है। पहला तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, जो तुम्हें पता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से हो गए, INT, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, ये तो जानते ही हो तुम। और तो जैसे INT है, तुम INT से अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर किए INT X, तो X के अंदर इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह डेटा टाइप का सेकेंड टाइप होता है, एक डेटा टाइप का एक सेकेंड टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी फर्दर तीन तरीके का होता है। इसमें सबसे पहला होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड होता है कंपोजिट डेटा टाइप, और थर्ड होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो अभी तुम्हें सिर्फ ये पहला वाला जानना है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जब तुम कोई भी क्लास बनाते हो ना, तो बेसिकली वो भी एक डेटा टाइप बन जाता है। बट वो किस टाइप का डेटा टाइप होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट टाइप का, जो अभी मैंने बताया। तो सपोज तुमने अगर प्रोग्राम में एक क्लास बनाया क्लास एबीसी, तो यानी ये जो एबीसी है अब ये भी एक डेटा टाइप बन गया। अब तुम इस एबीसी के हेल्प से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे एबीसी ओबी, जैसे तुम INT से कर रहे थे INT एक्स। तो जैसे INT के हेल्प से तुम वेरिएबल डिक्लेयर किए एक्स, तो एक्स में क्या स्टोर करोगे, इंटीजर टाइप का डेटा। इंटीजर टाइप का डेटा क्या है, बिना पॉइंट वाले नंबर्स। तो उसी तरह सपोज तुम अगर एबीसी की हेल्प से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जैसे ओबी, तो ओबी में क्या स्टोर करोगे, एबीसी टाइप का डेटा। अभी एबीसी टाइप का डेटा क्या होगा, तो अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा अभी, राइट। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, फाइन। अब देखो इस प्रोग्राम को थोड़ा मैं स्प्लिट कर दे रहा हूं, स्प्लिट कर रहा हूं मतलब ये जो ये लाइन है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से अभी लिखता हूं। सो कैल्क ओबीजे, ठीक है, और फिर असाइन विद ओबीजे, सॉरी ओबीजे असाइन विद न्यू कैल्क, ये हो गया, ठीक। अब देखो होगा क्या, जो हमारा कंट्रोल है वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करेगा, मेन से। तो कंट्रोल मेन में एंटर करेगा, फिर लाइन नंबर 25, लाइन नंबर 26। जब लाइन नंबर 27 को रीड करेगा तो क्या करेगा, लाइन नंबर 27 मैंने क्या बोला है कंट्रोल को, कैल्क ओबीजे, मतलब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल को बोल रहा है कि रैम पे, रैम क्या, मेन मेमोरी, कंप्यूटर की मेन मेमोरी जहां पे सारा एग्जीक्यूशन होता है। तो हमारा प्रोग्राम कहाँ है, प्रोग्राम तो हार्ड डिस्क में सेव है ना, राइट। तो हमारा प्रोग्राम इस लाइन में कंट्रोल को बोल रहा है कि रैम पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो ओबीजे नाम का, और ये वेरिएबल किस टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर करेगा, कैल्क टाइप का, क्योंकि क्लास नेम में कैल्क है, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा ओबीजे नाम का, जिसका टाइप क्या होगा, कैल्क। अब देखो अगले लाइन में क्या होगा, जब हमारा कंप्यूटर इस वाले लाइन पे पहुंचा ओबीजे असाइन विद न्यू कैल्क, तो यहां पे न्यू कैल्क, न्यू क्या है, न्यू एक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और कैल्क क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो कैल्क, ये कंस्ट्रक्टर के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी छोड़ दो, ठीक है। तो अभी जान लो कि न्यू कीवर्ड क्या करेगा, वो तुरंत हमारा जो क्लास है ये ऊपर, जो हमारा कैल्क क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा रैम पे,
और ऑब्जेक्ट क्या होता है नहीं पता ऑब्जेक्ट, तो प्लीज जाके सीरीज का पहला वीडियो देख लो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। मैं पिछले इवन इससे जस्ट पहले वाला वीडियो मैंने उसमें ही बताया था, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट और क्लास में तुम लोग को डिफरेंस बताऊं, तो क्लास बेसिकली डिस्क्रिप्शन होता है कि तुम्हें किस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लास का मतलब तुम डिस्क्राइब कर रहे हो अपने ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने कल तुम्हें एग्जाम्पल दिया था ना कि तुम सपोज बजाज की कंपनी में गए और तुमने जाने के बाद एक पेपर उठाया और तुमने बोला कि ओके मुझे एक बाइक चाहिए और उस बाइक का नाम होगा ABC, उस बाइक का मैक्सिमम स्पीड होगा 200 किलोमीटर पर आवर, बाइक में नंबर ऑफ गियर 10 होगा, बाइक की लाइट रेड, बाइक का कलर रेड होगा। तो तुमने इतना बाइक का स्पेसिफिक डिटेल्स दे दिया एक पेपर पे लिख के और तुमने बोला कि इस तरीके का मुझे 200 बाइक चाहिए। तो बजाज कंपनी ने क्या किया, 200 बाइक तैयार कर दिया तुम्हारे लिए। तो ये जो पेपर पे तुमने डिटेल्स लिख के दिया है, अपने बाइक को डिस्क्राइब किया है, क्लास हो गया तुम्हारा। और इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस में जो एक्चुअल बाइक क्रिएट हुआ, ये सब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो हमने क्लास बनाया है प्रोग्राम में, ये बेसिकली हम ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि रैम पे जब रियल ऑब्जेक्ट बनेगा तो कुछ इस तरीके का होगा। मतलब हमारे ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, एक स्कूल नेम नाम का वेरिएबल होगा जिसके अंदर इस JD डेटा स्टोर होगा, एक नेम नाम का वेरिएबल होगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल होगा जो डबल टाइप का होगा, एक मेथड होगा जिसका नाम रीड डेटा होगा, एक और मेथड होगा जिसका नाम प्रिंट रिकॉर्ड होगा। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब अगर और अच्छे से समझना चाहते हो जो भी मैं बता रहा हूं, तो जाके पुराने वीडियोस देख लो, ओके? तो हमारा कंप्यूटर रैम पे क्या करेगा, ऑलरेडी उसने OBJ को डिक्लेयर कर दिया था ना, अब क्या करेगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा रैम पे। मतलब उस क्लास में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके हिसाब से अब इस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, रैम पे एक जगह अलॉट हो जाएगी। किसको अलॉट होगी, ये जितने वेरिएबल्स हैं और जो मेथड्स हैं। तो स्कूल नेम वेरिएबल होगा हमारा जिसके अंदर डेटा क्या होगा, अच्छा स्कूल नेम वेरिएबल स्टैटिक है तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के बाहर होगा। अगर नहीं पता तो जाके पिछला वीडियो देखो, स्कूल नेम, अगर ये स्टैटिक का कंसेप्ट नहीं पता तो पिछले वीडियो जाके देख लो। और फिर इसके अंदर क्या होगा, नेम होगा जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है, मार्क्स होगा, फिर रीड डेटा मेथड होगा हमारा। अब मैं पूरा रीड डेटा मेथड का यहां पे डिटेल नहीं लिखूंगा, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, प्रिंट रिकॉर्ड मेथड होगा, ठीक है। और फिर ये जो ऑब्जेक्ट रैम पे जहां पे भी है, ये देखो क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट करेगा राइट हैंड साइड में है ना, इस वैल्यू को OBJ में स्टोर करेगा। इस लाइन में यही तो हम बोल रहे हैं कि इस न्यू कैल को कहां स्टोर कर देना, OBJ में। तो कंप्यूटर क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जहां भी क्रिएट हुआ है इसका एड्रेस किस में स्टोर कर देगा, OBJ में। आया समझ में? तो बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि क्लास बेसिकली ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, और जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा कंट्रोल क्या करेगा, जैसे इस लाइन को रीड करेगा वो तुरंत हमारे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, कहां पे, रैम पे। तो याद रखना क्लास कभी भी एक्चुअल में यूज नहीं होता, यूज तो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैंने स्प्लिट करके दिखाया था, अब इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, तुम चाहो तो ऐसे दो लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे जो OBJ वेरिएबल है किस टाइप का है, कैल्क टाइप का है ना, और फाइनली OBJ वेरिएबल में हमने डेटा क्या स्टोर किया, जो कैल्क क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस स्टोर किया। तो इसीलिए जो क्लास नेम से जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम, उनको हम रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर हम रेफरेंस स्टोर करते हैं, एड्रेस स्टोर करते हैं। कोई भी क्लास, जैसे मान लो एक क्लास है क्लास XYZ, अब अगर तुम इस क्लास टाइप का वेरिएबल लेते हो जैसे XYZ OB, तो OB के अंदर क्या स्टोर कर सकते हो, XYZ का एड्रेस स्टोर कर सकते हो। तो इसीलिए OB को रेफरेंस वेरिएबल बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब तुम इस मेन मेथड में अगर तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट के किसी भी मेथड को कॉल करना है, कॉल कर सकते हो। जैसे सपोज तुम्हें इस ऑब्जेक्ट में से, मान लो तुम रीड डेटा मेथड को एक्सेस करना चाहते हो, तो अब बताओ जो ऑब्जेक्ट है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बना है कंप्यूटर के रैम पे, उसका एड्रेस किसके पास है, OBJ के पास है ना। तो पहले एड्रेस पूछोगे कि OBJ डॉट
फिर किसको एक्सेस करोगे, रीड डेटा, सो रीड डेटा हो गया, ठीक है। फिर अगर तुम्हें प्रिंट करना है तो ओबीजे डॉट प्रिंट रिकॉर्ड, तुम इसको भी एक्सेस कर सकते हो। सेव कर लेते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। सो जावा सी एबीसी डॉट जावा, देन जावा एबीसी, देखो एंटर स्टूडेंट नेम मैं देता हूँ अनुज, एंटर स्टूडेंट मार्क्स मैं देता हूँ 23.5। अब देखो स्टूडेंट नेम इज अनुज, स्टूडेंट स्कूल नेम इज एस जेडी, स्टूडेंट मार्क्स इज 23.5। समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चाहें ना तो हम जितना ऑब्जेक्ट चाहें ऊपर वाले क्लास का बना सकते हैं। याद करो जो मैंने बाइक वाला एग्जाम्पल दिया था कि उसने पेपर पे डिस्क्राइब कर दिया ऑब्जेक्ट को, अब पेपर पे उसने डिस्क्राइब किया कि कैसा बाइक चाहिए, तो अब कंपनी उस पेपर की हेल्प से हजारों बाइक बना सकती है। तो उसी तरह इस क्लास की हेल्प से हम जितना ऑब्जेक्ट चाहें बना सकते हैं। तो मान लो इसके नीचे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो कैल्क OB1 असाइन विद न्यू कैल्क, न्यू कैल्क। अब देखो क्या होगा, पहला ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब कंप्यूटर इस लाइन पे पहुंचेगा तो फिर से न्यू कैल्क, यानी एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सेम इसी क्लास का। इसके अंदर भी सेम चीज होगा, स्कूल नेम तो होगा नहीं, वो बाहर ऑलरेडी है, तो कंप्यूटर इसी जो बाहर है इसी को इससे भी कनेक्ट कर देगा और इससे भी कनेक्टेड है। अब इसके अंदर हमारा नेम वेरिएबल, फिर मार्क्स, फिर रीड डेटा और फिर प्रिंट रिकॉर्ड, और इसका एड्रेस किस में आ जाएगा, OBJ1 में आ जाएगा। सो अब मान लो तुम कॉल करते हो OB1 डॉट रीड डेटा, तो अब रीड डेटा किस ऑब्जेक्ट का कॉल होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट का कॉल होगा, इस वाले का कॉल नहीं होगा। सो तुम्हें यहां पे क्लास एक ही दिख रहा है बट एग्जीक्यूशन में दो दो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब इस क्लास के कॉपी दो दो बन चुके हैं रैम पे। तुम चाहो तो 3 बना दो, 4 बना दो, 10 बना दो, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें शो करता हूं, अगर मैं इसको सेव कर लूं ob1.readdata और अगर मैं ob के जो हमारा obj है उसका प्रिंट रिकॉर्ड में कॉल करूं प्रिंट रिकॉर्ड, तो अब देखना क्या होगा। सेव करेंगे तो लिख लिया मैंने, अब इसको हम सेव करते हैं। सो पहले क्लियर कर लेते हैं। सो जावा सी एबीसी डॉट जावा, देन जावा एबीसी, अब देखो एंटर द स्टूडेंट नेम, तो मैं देता हूँ राहुल, मार्क्स मैं देता हूँ 24.4। अब देखो एंटर स्टूडेंट नेम इज नल, एंटर स्टूडेंट नेम इज एस जे डी, क्योंकि एस जे डी तो मैंने डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, सबके लिए ट्रू होगा। फिर स्टूडेंट मार्क्स 0.0, तो हमने एंटर तो मार्क्स 24.4 किया था ना, और नेम राहुल एक किया हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई साहब यहाँ देखो ना, हमने डेटा जो हमारा ऑब्जेक्ट वन है उसमें स्टोर किया है, और प्रिंट रिकॉर्ड कौन सा कॉल कर रहे हैं हम, पहले वाले ऑब्जेक्ट का, इसका प्रिंट रिकॉर्ड। तो इस ऑब्जेक्ट में तो डेटा है ही नहीं ना नेम और मार्क्स में। अगर वही मैं देखो यहाँ पे ob1 है, अब देखना क्या होगा। सेव करते हैं, रन करते हैं। सो पहले क्लियर कर लेते हैं। सो जावा सी एबीसी डॉट जावा, देन जावा एबीसी, तो अंकिता, देन 22। अब देखो स्टूडेंट नेम इज अंकिता, स्टूडेंट स्कूल नेम इज जेडी, स्टूडेंट मार्क्स इज 22.0। आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कैसे क्रिएट होता है।
जो अब तक मैं तुम लोग के वीडियोस में बता रहा था कि बेसिकली यहाँ पे हम कॉपी क्रिएट करते हैं तो ये न्यू फोटो कॉपी कर देता है। सो आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।